और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला सामने नजर आया है। आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर जनता को बड़ी राहत दी है। अब 500 रुपए की जगह 350 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 150 रुपए कम करके लोगों को राहत दी है। निजी लैबों में होता था 500 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट और अब निजी लैबों में होगा 350 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से ये नई दरें लागू की गई। और हमारे सहयोगी विकास इस खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, तो ये राहत भरी खबर प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल देखिए मेगा, जिस तरह से आज राजस्थान जो है पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर इतना सस्ता टेस्ट जो है आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। और ये टेस्ट जो है सरकार ने समझी दिक्कतें, समझी लोगों की दिक्कतें, बड़ा फैसला किया है। कुछ ही देर पहले जो है अभी सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो दर जो है वो लगातार घटाई जा रही है। कुल बात करें तो 6 जून 2020 को अंतिम बार दर जो है वो तय की गई थी। उसमें जो 18 जनवरी को जो दर की गई थी 500 रुपए तय किया गया था अधिकतम रेट आरटीपीसीआर टेस्ट का, उसे अब कम करके 350 रुपए किया गया है, जिसके अंदर सभी तरह के टेस्ट टैक्स और जीएसटी जो है शामिल किए गए हैं। और ये जो आदेश है तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश भर की जो निजी लैब, सरकारी निजी लैब और जो अस्पताल है वहां पर लागू की गई है। हम आपको अपडेट कर दें, राजस्थान के तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पर टेस्ट जो है फ्री में हो रहा है, जबकि जो प्राइवेट लैब्स है वहां पर टेस्ट जो है शुल्क के साथ किया जा रहा है। उसी शुल्क को तय करने के लिए सरकार ने जो महामारी एक्ट है उसके तहत संशोधन निकाला, जिसमें कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो 350 रुपए किया गया है। देश भर में इतना कम रेट पर आरटीपीसीआर टेस्ट करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। जी, और विकास, ये एक अच्छी खबर, राहत वाली खबर हो सकती है, और क्योंकि तत्काल प्रभाव से ये लागू कर दी गई है दरें, तो कल सुबह से अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको नई दरों पे ये टेस्ट करवा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी।